सो गाइस, काफी लोग जो है मुझे बोलते रहते हैं यार, हम लोगों को जो है नाइट फोटोग्राफी के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। तो यार मैं आज आप लोगों को ऐसी बढ़िया सी नाइट फोटोग्राफी के बारे में टिप्स दिखाने जा रहा हूँ। और 2019 की शुरुआत हम करते हैं कुछ ऐसी जबरदस्त वाली। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। एंड आ जाओ यार, अगर आप लोगों के पास एक बढ़िया सा फोन है, बढ़िया सा भी नहीं है, जैसा भी फोन है, फटाफट से उसे निकालो, चाहे फिर बजट हो, फ्लैगशिप हो, और हम आज रात को खींचते हैं बढ़िया बढ़िया फोटो ऐसे लंबी लंबी मस्त ट्रेन जैसी। तो आओ और हम लोग फोटो खींचते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को कुछ भी स्टार्ट करने से पहले चाहिए होती है सामग्री। और भाई देखो, अरे ये तो वैसे प्रॉप्स के यूज पेयर पे था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ ऐसे दो चार चीजें जो आप लोगों को चाहिए होंगी अगर आप लोग ये अच्छी फोटो खींचना चाहते हो। देखो, पहले तो आप लोगों को चाहिए स्केच पेन्स। एंड स्केच पेन्स, हाँ यार, स्केच पेन्स चाहिए आप लोगों को। तो स्केच पेन्स आप लोग इकट्ठे कर लो। अगर आप लोग रेड और ब्लू लेके आ सकते हो तो यार काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। रेड और ब्लू अगर आप लोगों को मिल जाता है तो वो ले लो, ये सही रहेंगे, ठीक है। एंड गाइस, साथ साथ आपको एक ऐसा रोल चाहिए जिसके अंदर कि आप लोग देख सकते हो ये, कि जिससे कि आप आपके घर के अंदर जैसे कभी फ्रूट्स होते हैं और जैसे सब्जियां होती है उसके ऊपर लगाते हो, उसे क्लीन रैप कहते हैं वैसे, और इस तरीके से चढ़ जाता है। ये चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये चाहिए होगा। आपको ये शायद जो यहाँ पे चावल वावल मिलते हैं उसकी दुकान में मिल जाना चाहिए, एक बार पता कर लेना। बट ये होता है क्लीन रैप, और ये अगर आपके पास है तो बढ़िया है। एंड गाइस, अगर आप लोग पास ऐसा क्लीन रैप नहीं है तो आपको इसका एक काम और कर सकते हो, आप लोग अपनी सेलो टेप यूज़ कर सकते हो। बट यार वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो सेलो टेप का जो वो होता है ना, गमी स्टफ होता है, वो आपके कैम लाइक लेंस के वहाँ पर चिपक सकता है। तो वो आप लोग आगे बताऊँगा, तो वो चीज़ मैं लाइक इस्तेमाल नहीं करता, ये उसके बदले मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जो पर्पस है दोनों का वो सेम ही है, और आप लोग दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसान रहे। सो गाइस, जैसे आप लोग बताओगे जो लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करती है हर एक फोटो के अंदर। और लाइट अगर अच्छी है आपकी फोटो के अंदर तो आपकी जो फोटोज़ है काफ़ी एक अच्छी इनोवेटिव वाली आ सकती हैं। अब फोटोज इनोवेटिव कैसे, जो भी है, लेकिन अगर आप लोगों को एक अच्छी फोटो लेनी चाहिए, आप लोगों को लाइट जो है ना अपने पास रखनी ही चाहिए। गाइस, मुझे पता है काफ़ी लोग आप में से मुझसे ज़्यादा अच्छी फोटोज़ खींचते होंगे, एंड ऑब्वियस यार वो बहुत अच्छी है। और अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे जबरदस्ती फोटो खींचते हो ना, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करना और मेरे को दिखाना कि भाई आप लोग के बिल्कुल ऐसे कारनामा क्रिएटिविटी कौन सी लेवल पे, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं। बट यहाँ पे अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो यार मेरी बात सुन लो थोड़ी सी। फ़ोन में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो फ़ोन एक तरीके से प्रो मोड में खींच सकता है, बेसिकली प्रोफेशनल मोड जो होते हैं आपके, मैनुअल मोड जिसे कहते हैं, जिसके अंदर आप शटर स्पीड ISO चेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल ही जबरदस्त वाली बात हो जाएगी आपके फ़ोन के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ पे मेरे पास OnePlus 6 है जो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और आप लोगों को पता है फोटोज़ अच्छी आ जाती हैं इससे। एंड इसके अंदर सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि भाई प्रो मोड है। तो यार इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप OnePlus 6 या कोई भी फोन है उसके अंदर आपको प्रो मोड पे जाना है। एंड अब जो पहला शॉट है हमारे पास यहाँ पे, वो होता है लॉन्ग ट्रेल्स वाला। तो आप लोगों ने देखी होगी ऐसी जबरदस्ती फोटोज जो कि ऐसे बिल्कुल गाड़ियों की लाइट होती है ऐसे जारी होती है, बेसिकली जो मोशन ब्लर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है, उधर से रेड लाइट दिखती है, येलो लाइट दिखती हैं, और फोटोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त लगते हैं। और अगर आप लोग ऐसी फोटोज खींचते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज जाते हो भाई कैसे खींचें। ये सारा का सारा कमाल होता है शटर स्पीड का। एंड शटर स्पीड आप लोगों को पता होगा जितनी ज़्यादा होगी उतना कम मोशन ब्लर होगा, और जितनी कम होगी उतना ज़्यादा मोशन ब्लर होगा। तो अगर आप लोगों को लाइट ट्रेल्स लेनी है तो आप लोग अपने फ़ोन के ऊपर प्रो मोड खोलना है, और अपनी जो शटर स्पीड है ना उसको ले जाना है 5 सेकंड या फिर 2 सेकंड्स तक। और 5 सेकंड 2 सेकंड्स पर ले जाओगे तो जो आपकी मोशन ब्लर हो काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाएगा, और आप लोगों को ऐसे लाइट ट्रेल देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों के पास एक ट्राईपॉड होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी, मैं ट्राईपॉड ही नहीं ले गया, तो बहुत जुगाड़ों से मैंने फोटोज क्लिक करी हैं। आपको पता नहीं, मैं अपने दोस्त को ले गया था, मैं उसे बोला है हिल मत जाइयो। लाइक आपका जो ISO है वो 100 से ज़्यादा ऊपर ना हो, 100 से अगर कम हो सकता है 60-70 उस पर कर दो भाई, मिनिमम जितना सेट कर सकते हो कर दो। और जो आपका अगर अपर्चर भी सेट हो सकता है तो f9.0 तक कर दो। एंड गाइस, उसी के बाद आप लोग बिल्कुल मस्त वाली लाइट ट्रेस देखने को मिलेंगी। होता क्या ना, अगर जो शटर स्पीड होती है ज़्यादा देर तक खुलता है ना जब शटर, तो जो लाइट आती है ना अंदर सेंसर पे ज़्यादा आती है, जिससे कि सब कुछ बिल्कुल ऐसे उजाला उजाला सा लगने लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों को हर चीज़ उसको मैनिपुलेट करने के लिए सब कुछ बढ़ाना पड़ता है। तो इस चीज़ से आप लोगों को बिल्कुल जबरदस्ती लाइट ट्रेस देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, सिचुएशन बड़ी ख़राब है, मतलब अभी हम सड़क पर, पता नहीं कैमरा भी फोकस करना ही नहीं कर रहा, मैंने ऑटो पे प्रो मोड पे डाल दिया, और अब मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको फोटोग्राफी की कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, जो मैं आप लोगों को बता रहा था पहले आपको स्केच पेन किस लिए चाहिए और जो क्लीन रैप किस लिए चाहिए, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी जो स्मार्टफोन है, अगर आप लोगों को एक बढ़िया सी नियॉन वाला कलर इफेक्ट चाहिए अपनी फोटोज के अंदर जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग मिमिक कर सकते हो बेसिकली। एंड मिमिक करने के लिए यार जो मेरे स्केच पेन थे थोड़े ज़्यादा ब्राइट नहीं थे, और मेरे पास ब्राइट कलर नहीं था, और रात भी हो गई थी तो मैं लेके नहीं आ पाया। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक ब्लू और एक रेड, ये दो जो कलर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं, इनको स्केच पेन लोग अपने फ़ोन के ऊपर क्लीन रैप चढ़ाओ, और जो फ्लैश लाइट है ना गाइस
उसके ऊपर उस रेड या फिर उस पेन से फ्लैश लाइट के ऊपर कलर कर दो। एंड देन गाइस आपको क्या करना है, आपको दो फोनों के अंदर करना है ऐसा, क्योंकि दो फोन के अंदर आप लोगों को एक अलग सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ से लाइट बाउंस होगी रेड और एक तरफ से ब्लू, तो आपको एक नियॉन लाइक एक इफेक्ट देगी और जो काफी ज्यादा मस्त लगता है। तो आप लोग दो फोन लो, एक पे रेड कलर कर दो क्लीन लैंप के साथ और एक पे कर दो ब्लू कलर, और दोनों को इस तरीके से पकड़ो जो आपके फेस का जो नीचे का पार्ट है वो लिट अप हो, जिससे कि आप लोगों को एक शैडोज बनती हुई दिखे ऊपर की साइड में। हालांकि मैंने जो है यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर था तो कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा था, और जो कलर थे वो भी इतने ज्यादा ब्राइट नहीं था, तो उससे जो फ्लैश लाइट थी ज्यादा बिल्कुल ऐसे उभर के नहीं आती। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल बढ़िया सिनेरियोस के अंदर खींचोगे तो आप लोग कुछ इस तरीके की फोटो देखने को मिलेगी, और देख सकते हैं आप लोग मैंने जो खींची है उसके अंदर भी कुछ बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। और ये है इन LED फ्लैश का कमाल, जो कि आपके फोन के अंदर पहले से ही है। तो बस यार इन सब चीजों से करके आप लोग एक जबरदस्ती ऐसी रात को मस्त सी फोटो खींच सकते हो व्हाट्सएप पे लगा लेना ऐसे। एंड गाइस एक चीज और, अगर आप लोगों को ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करनी है और एडिटिंग में भी अच्छा रखना है, तो यार हमेशा रॉ फोटोज क्लिक करना, उसका जो डेटा होता है आप लोगों को ज्यादा रहता है, तो रॉ फोटोज क्लिक करो और ज्यादा अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पे मैं लास्ट ट्रिक बताना देता हूँ आप लोगों को। यार देखो, अगर आप लोगों के पास एक ग्लास है ना, ठीक है, अगर आप लोगों के पास ग्लास है, रात को एक काम करो, एक ग्लास लो, और अगर आप लोगों को रात को एक बारिश वाला सीन क्रिएट करना है तो सिंपल आप लोग उस ग्लास को लो, ठीक है, उसके ऊपर जो एक कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे यार, हेयर स्प्रे वाली जो होती है जिसके अंदर बॉटल ऐसे नाई के पास होती है, वैसे अगर आपके पास बॉटल है तो उस पे ना स्प्रे कर दो ग्लास पे, और उस ग्लास को इस तरीके से लो और कैमरा बिल्कुल पास ले आओ, और उस ग्लास को इस तरीके से लो, नाइट के अंदर रेन हो रही है तो वो रेन वाला इफेक्ट देगी और काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है, और पीछे से जो गाड़ियों की लाइट है वो भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड गाइस ये सब चीज़ें जो है आप ऑटो पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग मैनुअल पे यार ट्राई करोगे तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। और जो ग्लास वाला इफेक्ट है यार, इसके अंदर ध्यान रखना कि आपकी जो लाइट है ना वो बाउंस ना हो, अगर लाइट बाउंस होगी तो यार काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा। बट ये वाला ट्राई आप दिन में भी कर सकते हो, और मुझे बताना कि आप लोगों ने दिन में ट्राई करा या नहीं करा। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, और आप लोग पसंद आई यार इस वीडियो तो एक बड़ा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि 2019 के अंदर ऐसे अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, हम लोग वहाँ पे बढ़िया से ऐसे बिहाइंड द सीन्स डालते रहते हैं, और ऐसे ही मैं अपनी फोटोज भी डालता रहता हूँ ऐसे बैठ कर ऐसे, तो आ जाओ फटाफट से बात करेंगे वहाँ पे, DM कर देना। मिलता आपसे मैं कल वाली वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस सिचुएशन बड़ी ख़राब है, मतलब अभी हम सड़क पे, पता नहीं कैमरा भी फोकस करना ही नहीं कर रहा, मैंने ऑटो पे अब प्रो मोड पर डाल दिया, और अब मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको फोटोग्राफी की कैसे कर सकते